और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। यहां बीजेपी नेता ब्रजपाल तिवतिया की गाड़ी पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान बीजेपी नेता के सुरक्षा गार्ड को गोली लगी है। गार्ड के पैर में गोली लगी है। घटना मुरादनगर के रावली रोड की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से, जहां बीजेपी नेता ब्रजपाल तिवतिया की गाड़ी पर बदमाशों ने फायरिंग की है और बीजेपी नेता के सुरक्षा गार्ड को गोली लगी है। अनुराग चड्डा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, पूरी खबर बताइए। देखिए जीत, गाजियाबाद में बीजेपी के नेता ब्रजपाल तिवतिया हैं। ये किसी अपने पॉलिटिकल काम की वजह से कहीं जा रहे थे, तो इसी दौरान इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो गई। बदमाशों की संख्या 4 से 5 बताई जाती है और करीब 10 राउंड बदमाशों ने फायरिंग की है। ये भी खबर मिली है कि जो गोली लगी है वो इनके पैर में लगी है। फिलहाल इनको अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर बीजेपी नेता को निशाना किसने बनाया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और पुलिस बीजेपी नेता से भी पूछने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है कि पिछले काफी दिनों से जो ब्रजपाल तिवतिया हैं इनको धमकियां मिल रही थी। खुद अपनी पार्टी में भी इनके कई दुश्मन हैं और विपक्षी भी इनको हमेशा टारगेट पर रखते थे, तो हो सकता है जो पुरानी रंजिश चल रही है उसी के चलते इन पर हमला हुआ। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ वो कहने की स्थिति में होगी। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग।